आज हमारी जो हड़ताल है चौथे दिन में प्रवेश कर गई है। हमारी हड़ताल सेंटर की कमेटी जो हमारी दिल्ली में बैठती है उसके आह्वान पे की गई है। 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक है पूरे हिंदुस्तान में। आज 90% हड़ताल हमारी कामयाब है। 2016 में कमलेश चंद्र कमेटी बनी थी, हमारे जीवन में कुछ सुधार हो, आर्थिक मुद्दों पे कुछ सुधार हो, लेकिन 2016 में कमेटी ने रिपोर्ट देने के बाद भी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। हम मांग करते हैं कि कमलेश चंद्र कमेटी को लागू किया जाए। 12, 24, 36 जो पे ग्रेड रिवाइज का उसमें सिस्टम दिया गया था माननीय कमलेश चंद्र जी ने, वो लागू करे। और हमारे जो GDS साथी है, ग्रामीण डाक सेवक हैं, 50-50, 60-60 किलोमीटर में डाक बांटते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक 10-10 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमें तनख्वाह जो है 4 और 5 घंटे की दी जाती है। इसलिए हमारी ये मांग है, साफ सुथरी मांग पत्र में हमारी ये मांग है कि हमारा कार्य का जो समय है वो 8 घंटे किया जाए और परमानेंट कर्मचारियों को जिस प्रकार से सुविधा देते हैं उसी प्रकार से हमें सुविधा दी जाए। हमारा एक कर्मचारी 65 साल की उम्र तक काम करता है, लेकिन ग्रेजुएटी के नाम पे उसको कुछ नहीं दिया जाता, पेंशन के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता। तो हमारी ये मांग है कि पेंशन और ग्रेजुएटी भी हमें दी जाए, तमाम जो कर्मचारी की सुविधाएं हैं वो हमें दी जाए। हमारी शांतिपूर्ण हड़ताल है, दिल्ली से जब तक कोई समझौते की हमें कॉल नहीं आती है तब तक निरंतर रूप से हमारी हड़ताल चलती रहेगी। कल हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया था कि सरकार को सद्बुद्धि आए, हमने आज थाली बजा करके इस सरकार को जगाने का प्रयास किया कि केंद्र की सरकार जागे और जो अलग वेतन भोगी कर्मचारी है जिनसे पूरा काम लिया जाता है, हम भी वही काम करते हैं जो डिपार्टमेंट के साथ ही करते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है लेकिन हमारी तनख्वाह नाम मात्र की तनख्वाह है। हमारी पे ग्रेड रिवाइज हो, हमें सुविधाएं मिले, चिकित्सा की सुविधा मिले, तमाम सुविधाएं मिले, इन्हीं बातों के लिए हमारी हड़ताल है। निरंतर हमारी हड़ताल जारी रहेगी तब तक हमारी दिल्ली में कोई वार्ता नहीं होती। शर्मा नाम है, ABPM हूँ मैं और उपाध्यक्ष हूँ ग्रामीण डाक सेवक यूनियन। ऑल GDS 2,75,000 GDS है पूरे ऑल इंडिया दे विच। साड़ी डिमांड है कि साढ़े 8 घंटे ड्यूटी की जाए, ग्रेजुएटी है जी 1.5 लाख तो 5 लाख की जाए, बाकी ये कहते हैं भी तुसी कम करो, पैसे ना मंगो। हुण समान वेतन तो मिलना चाहिए, जो दूजे कर्मचारी है उस तो ज़्यादा कम करते हैं असं 12 घंटे। साढ़े जेडे साढ़े ईडी है 50-50 किलोमीटर डेली जोड़ा है ना डाक बनते हैं उन्हों का वर्किंग एरिया है, तो उन्होंने 6,000 रुपया तो खर्च हो जाता है, ये उस तो अलग तो कुछ देंगे ही नहीं, तो उन्होंने पल्ले की पैंदा है। इस वास्ते साड़ी गवर्नमेंट तो रिक्वेस्ट है और इन्हों सारे करना चाहिए, परमानेंट करना चाहिए। 35-35, 36-36 साल हो गए और बाकी चंद्रा कमलेश एक कमेटी बनाई सी, कमलेश चंद्रा वो गवर्नमेंट ने बनाई, उस कमेटी इन्होंने बनाती लेकिन उन्हें रिपोर्ट देती 2016 च, तो इन्होंने वो लागू नहीं की। तलवार कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने बनाई, उसने रिपोर्ट देती वो नहीं लागू की। हर बार कमेटी बनाते लागू नहीं करते, यानी सारा कुछ यही करते है, कमेटी ये बनाते हैं लेकिन लागू नहीं करते। वार्ता हो वार्ता तो चलती रहती है लेकिन आश्वासन देंगे सिर्फ रिटर्न लिखते दे देना अच्छे हड़ताल खत्म हो जूगी। तो साड़ी ये डिमांड है भाई सानू भी जोड़ा है ना गवर्नमेंट जिमें दूसरे एम्पलॉई है उस तरह सारे रेगुलर किया जाए और सारे डिमांडा पूरी कीतिया जा, स्वास्थ्य है और है किसी कुछ नहीं मिलता, ये साड़ी डिमांड है। मैं सचिव हाँ गंगानगर हनुमानगढ़ डिवीजन का,